अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद नबीला। सो आज अपन बनाने वाले हैं चॉकलेट ट्राइफल। चॉकलेट ट्राइफल बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। सो वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में एक बेहतरीन टिप रहने वाली है। चॉकलेट ट्राइफल बनाने के लिए हम लोग को चाहिए 1/2 kg चॉकलेट स्पॉन्ज केक। यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ केक था तो मैं ये यूज़ कर ली, आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। ये है 500 ml विपिंग क्रीम, ये 2 chocolates है 40 रुपीस के, और ये है अमूल चीज़ 2 slices। अब ये चॉकलेट केक को हम लोग को क्रम्बल कर लेना है, पूरा बुरा कर लेने का है उसको। फिर दूसरा स्टेप है हमारा विपिंग क्रीम विप करना है। ओके, यहाँ पर मेरे पास स्वीटेंड विपिंग क्रीम है तो इसीलिए मैं शक्कर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके विप क्रीम में शक्कर नहीं है तो आप प्लीज़ पाउडर्ड शुगर इस्तेमाल कीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए विपिंग क्रीम में। हम लोग को विपिंग क्रीम को ज़्यादा विप नहीं करना है, बस सॉफ्ट पीक्स आए जब तक ही विप करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब जो हम लोग क्रीम विप करें उसमें से 1 cup क्रीम हम लोग को अलग निकाल लेना है सो दैट हम लोग ऊपर की लेयर या ऊपर का सॉस चॉकलेट सॉस बना सकें। ओके, एक सॉस पैन लीजिए। सॉस पैन लेने के बाद उसके अंदर ये विप क्रीम डाल दीजिए। रिमेंबर देयर शुड बी नो वाटर इन द सॉस पैन। जैसे ही आपकी क्रीम गर्म हो जाती और साइड्स में बबल्स आना शुरू होते दैट इज़ द टाइम वेयर यू शुड ऐड द चॉकलेट, 2 packets ऑफ चॉकलेट। जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा तब आप चीज़ डालिए। ओके, अभी पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ मेल्ट होने टाइम लगता। अब जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी और आपको एक सॉफ्ट लिक्विड कंसिस्टेंसी का सॉस रेडी हो जाएगा तब आप अपना स्टोव बंद कर दीजिए। अब हम लोग को लेयर्स बनाना है। फर्स्ट लेयर हमारी केक की होगी, जो केक क्रम्बल्स थे हमारे, हम वो डाल के अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे डिश में। जैसे ही आपकी केक की लेयर सेट हो जाती दूसरा स्टेप है आपका विपिंग क्रीम डालने का। विप क्रीम डाल दीजिए और उसकी भी एक लेयर बना दीजिए। क्रीम की लेयर सेट करने के बाद हम डालेंगे उसके ऊपर चॉकलेट सॉस जो हम लोग रेडी करे थे। चॉकलेट सॉस डालने के बाद उसको इवनली फैला दीजिए। उसके बाद फिर से केक की लेयर जाएगी एंड देन अगेन विपिंग क्रीम एंड देन द चॉकलेट सॉस। आप जैसे ही चॉकलेट सॉस डाल रहे हैं आप उसके बाद आप जैसे भी गार्निश करना चाह रहे आप वैसे गार्निश कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर टूथपिक लेकर टूथपिक की हेल्प से थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी। आप जैसा भी डिज़ाइन चाहें आप बना सकते हैं। जैसे ही आप अपने ट्राइफल को डेकोरेट कर देंगे या गार्निश कर देंगे उसके बाद आप 5 से 6 घंटे उसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो ऊपर का जो सॉस है और जो विपिंग क्रीम है अच्छी तरीके से सेट हो जाए, और जब सेट होगा तभी आपको मज़ा आएगा। सो एंड जो सॉस है ना इट इज़ यूनिक, आई मीन इट इज़ रियली टेस्टी। जब आप चीज़ डालेंगे जो सॉल्टीनेस है एंड जो स्वीटनेस है दो बैलेंस होकर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आज की टिप ये है कि अगर आप विपिंग क्रीम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे विप करेंगे तो विप नहीं होगी, बिल्कुल भी विप नहीं होगी क्रीम। सो मेक श्योर कि आप जब भी विप क्रीम ले रहे आप उसको फ्रीज़र में डाल दीजिए, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए और आपकी विपिंग क्रीम अच्छी तरीके से विप हो। और दूसरी टिप ये है कि जब आप ऐसी कोई डिलीशियस स्वीट डिश बना रहे तो घर में बोल दीजिए कि मेरे को अभी फ़ोटोज़ लेना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप फ़ोटोज़ लेने से पहले ही आपकी डिश का हाल ये हो जाएगा। मैं वीडियो लेने से पहले ही आधी डिश ख़त्म हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक पीस तो ढंग का मिला फ़ोटो लेने के लिए मेरे को। Well, that's it for today, guys. Hope you liked my video. And if you liked my video, please give me a big thumbs up. Share my video with your friends and family. And subscribe to my channel if you haven't yet. Bye-bye.